नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों की, तमाम तरह के शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ खबरें निकल कर सामने आई है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग एकदम सुस्त है, नियोजित शिक्षक व्याकुल है, अब आंदोलन की भी योजना बना रहे हैं। बहुत जल्द ही अपने विद्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय और राजधानी तक आंदोलन करने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। अगर सरकार को या और विभाग को यही ड्रामेबाजी करना था, डेट पर डेट, तिथि पर तिथि बढ़ानी थी, तो सक्षमता परीक्षा लेने के लिए इतना उतावलापन क्यों? ना तो हमें पोस्टिंग मिल पा रही है और न ही राजकर्मी का दर्जा। तो आखिरकार सरकार और विभाग नियोजित शिक्षकों के साथ ऐसी मजाक हमेशा क्यों करते आ रही है? आपको बताते चले कि बिहार के नियोजित शिक्षक करीब 15 वर्षों से अपने तबादले को लेकर लगातार मांगे उठा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और इधर लगातार 6 माह से नियोजित शिक्षक जो हैं अपने विद्यालय में पोस्टिंग और राज्यकर्मी की दर्जे को लेकर सक्षमता परीक्षा दे दिए और आवाज भी उठाते आ रहे हैं, लेकिन उनकी पोस्टिंग के लिए भी चर्चा भी नहीं चली है। 15 दिनों के लिए बनी कमेटी भी अब तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है, अलबत्ता बैठक पर बैठक हुई, कोई खास निर्णय भी नहीं हो पाया, और निर्णय अगर हुआ भी है तो उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। अलबत्ता हम कह सकते हैं कि लगातार शिक्षकों पर ही कार्रवाई हो रही है, ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है जो समय पर शिक्षकों को वेतन नहीं दे पाते हैं, समय पर उनका कार्य नहीं कर पाते हैं? वैसे पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की शिक्षा विभाग को पहल करनी चाहिए। आगे की खबर हम आपको बता दें कि वेटेज का लाभ देने वाली दूसरे प्रदेश की शिक्षिकाओं की अब जा सकती है नौकरी। आपको बता दें कि बीपीएससी से बहाल बहुत सारे ऐसे शिक्षिका हैं जो दूसरे प्रदेश से बिहार में आकर बहाल हो गए हैं, उनकी अब नौकरी पर खतरा एक तरह से बन गया है। विभागीय आदेश के बाद जांच शुरू, प्रारंभिक छानबीन में दर्जन भर से भी अधिक किया गया है। चिन्हित अधिक शिक्षिकाएं यूपी की, बिहार की अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा का मिलना था 5 वेटेज अंक, अगर उन्हें मिल गया है तो उनकी नौकरी जा सकती है। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग, कह सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग से 2 चरणों में तेजी से शिक्षकों की नियुक्ति हुई, मगर इसमें कुछ गड़बड़ी भी रह गई। अब गड़बड़ी सामने आने पर आयोग के शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की परीक्षा पास कर बहाल हुए दूसरे प्रदेश की महिला अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में 5% छूट का लाभ उठाकर बहाल हो गई है। इनमें अधिकतर उत्तर प्रदेश की है, एक शिक्षिका राजस्थान की हैं। वैसे शिक्षिकाओं को चिन्हित कर सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 60% से कम अंक होने की वजह से भी रद्द होगी नियुक्ति। इधर और हम आपको बता दें इसी खबर में कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को रिजल्ट कार्ड जो है मुजफ्फरपुर में मिलना भी शुरू हो जाएगा, काउंटर भी बनाए गए हैं, बहुत सारे जगहों पर इसकी प्रक्रिया खत्म हो गई है और बहुत जगह इसको अभी शुरू भी नहीं किया गया, यानी कि सबको सक्षमता का कार्ड मिलना तय है। इधर भारतीय रेलवे में 80,000 नए पद सृजित होंगे, 61,529 पदों पर चल रही है भर्ती, दिसंबर तक पूरी हो जाएगी, वित्त मंत्रालय को पत्र भी लिखा गया है। तो रेल संरचना से जुड़े कार्यों को ठेके के बजाय रेलवे के अस्थायी कर्मचारियों से कराने की है वकालत। वहीं आगे की खबर यह है कि बच्चों की स्वास्थ्य जांच की एमडीएम से होगी ट्रैकिंग, संक्रमित बच्चों की शारीरिक मानसिक क्षमता विकास की पहल, बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित की जाएगी जांच, मुख्यालय से दिया आदेश। एमडीएम के बच्चे खाएंगे दवा, पोर्टल पर दर्ज होगी इसके गुणवत्ता लाभुकों की संख्या, कितने बच्चों ने दवा खाई, कितने को खिलाना बाकी है, रखा जाएगा हिसाब किताब। इधर डीपीओ एमडीएम आनंद विजय जो है भागलपुर का, उनका कहना है कि बच्चों में एनेमिया की कमी दूर करने के लिए विभागीय योजना है, एमडीएम के बाद बच्चों को आयु वर्ग के अनुसार हर बुधवार को दवा दी जानी है, दवा खाए बच्चों की पोर्टल पर एमडीएम शाखा द्वारा की जाएगी, इससे दवा खाए बच्चों की निगरानी होगी। तो इस तरह से बच्चों के स्वास्थ्य पर भी ख्याल रखे जा रहे हैं। वहीं नकली सर्टिफिकेट को असली बनाने में भी सक्रिय है बिहार में गिरोह, नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट की चल रही निगरानी जांच को प्रभावित कर नकली को असली बनाने में भी गिरोह पीछे नहीं है। तो इस तरह से उन पर भी निगाहें रखी जा रही है, पकड़े जाने वाले पर कार्रवाई भी तय मानी जा रही है। इधर 3 स्कूलों की जांच में मिली गड़बड़ी, डीओ ने पूछा सोकौज, बिहार शरीफ से यह खबर आई है।
कि जो विजय जांच किया जा रहा है, विद्यालय जांच किया जा रहा है गड़बड़ी पाने वाले पर, शिक्षकों पर कार्रवाई किया जा रहा है जिला स्तर और प्रखंड स्तर से भी। वहीं आगे की खबर यह निकल कर आ रही है कि लगातार फर्जी शिक्षकों में जो है बहाल जो शिक्षक जो है वो सीतामढ़ी में भी धरे जा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई तय मानी जा रही है, कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा की गई है। इधर पीजी में नामांकन के लिए सूची जारी किया गया, मगर विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर विभाग एवं विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालय में सत्र 2023-25 में नामांकन के लिए प्रथम मेधा सूची जारी कर दी गई है। विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर भी सूची अपलोड कर दी गई है। वहीं हम आपको बता दें कि प्रधानाचार्य कर सकते हैं एडमिट कार्ड में सुधार। लनामी विश्वविद्यालय में स्नातक द्वितीय सेमेस्टर एवं स्नातक प्रथम सत्र पूर्वी पूर्ववर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर प्रधानाचार्य अपने स्तर में से उनका सुधार कर सकते हैं, इसका निर्देश भी दिया गया है। इधर बीआरसी से दूर होगी अटेंडेंस की समस्या, यह बड़ी बात है कि अटेंडेंस बनाने में बहुत शिक्षकों को दिक्कत हो रही है। प्रखंड संसाधन केंद्रों में भी शिक्षकों के ऑनलाइन अटेंडेंस में आ रही समस्याओं का समाधान किया जाएगा, इसको लेकर शिक्षा विभाग की तैयारी चल रही है। बीआरसी स्तर पर शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की समस्या के निपटारे को लेकर जल्द ही वहां के ऑपरेटर को राज्य मुख्यालय की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो शिक्षकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इधर एमडीएम के उपनिदेशक ने लिया स्कूलों का जायजा, यानी कि आप कह सकते हैं उदा किशुनगंज की एक खबर है कि वहां पर यह खास जांच की गई है और जो भी देखा गया उस पर जांच हो रही है। वहीं भवनहीन विद्यालयों की मांगी गई है सूची, तो जितने भी बिहार में भवनहीन विद्यालय है उसकी सूची विभाग के द्वारा मांगा गया है। इधर इस शिक्षा कोष पर विद्यार्थियों का एक हफ्ते में आधार करना होगा अपडेट, नहीं तो होगी कार्रवाई। पोर्टल पर विद्यार्थियों का आधार 28 सितंबर तक अपडेट करने को कहा गया है। आपको बताते चले कि इसमें खास समय दिया गया है। इधर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सरकारी स्कूलों में अब प्रैक्टिकल आधारित पढ़ाई भी शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल की तरह पढ़ाई की योजना बनाई है, अब लिखित के साथ साथ प्रैक्टिकल आधारित पढ़ाई भी होगी, तो यह शिक्षा विभाग ने एक बड़ी सुधार कर दी है। इधर परीक्षा आवेदन में अधिक शुल्क लिया तो नपेंगे, अब एचएम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा निर्देश दिया गया है कि अगर मैट्रिक इंटर परीक्षा में अगर ज्यादा पैसा लेते हैं तो वहां के प्रधानाचार्य जो है उन पर कार्रवाई होगी। तो वहीं हम आपको बता दें कि बिहार के विद्यालयों में दोहरा नामांकन वाले 16,000 छात्र चिन्हित किए गए हैं। दरभंगा में और पूरे बिहार में शिक्षकों की छात्रों की जो चिन्हित हैं वो किया जा रहा है, और वैसे प्रधानाध्यापकों पर भी कार्रवाई अब तय माना जा रहा है जो दोहरी नामांकन कर रखे हैं। इधर सरकारी स्कूल में पढ़ी चित्रा 20 साल की उम्र में बन गई डीएसपी, बक्सर से खबर आई है। तो इस तरह से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले भी अच्छे मुकाम पर जाते हैं, लेकिन फिलहाल बिहार के नियोजित शिक्षकों को अपने पोस्टिंग के लिए करना होगा इंतजार। तो दोस्तों आपसे आग्रह है, निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि YouTube ने एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें कहा गया कि 65% ऐसे लोग हैं जो आपको चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाए। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे परिवार की संख्या बढ़ सके। तो उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।